गांव के युवा कम लागत में शुरू करें ये 5 बिजनेस, होगी अच्छी खासी कमाई। आटा मसाला या तेल पिराई चक्की का बिजनेस। शहरों में अक्सर लोग गेहूं, चावल, दाल, तेल आदि राशन का स्टॉक नहीं रखते हैं, इसलिए वो पिसा आटा, धुली और सूखी दाल या सीधे तेल पिराई करके नहीं रखते। इसके लिए सीधे पैकेट्स लेना पसंद करते हैं, मगर गांव में इससे एकदम उल्टा होता है। यहां लोग गेहूं, चावल, दाल, राई आदि को स्टॉक करके रखते हैं, तो ऐसे में गांव के लोग इन चीजों को पिसवाते रहते हैं। उन्हें कुछ दिनों में आटा पिसवाने, दाल पिसवाने आदि की जरूरत पड़ती ही रहती है। आपको अपना बिजनेस इस जरूरत को समझते हुए शुरू करना है। यदि आप लोगों की जरूरत को समझते हुए आटा चक्की, तेल पिराई या दाल मसाला पीसने की चक्की लगाते हैं, तो ये आपके लिए बेहद अच्छा ऑप्शन हो सकता है मोटी कमाई का। बता दें कि आजकल आटा चक्की की मांग भी बढ़ गई है। खास बात यह है कि अगर आप गांव में आटा चक्की लगाते हैं तो आटे के साथ साथ बेसन, हल्दी, मिर्च, मक्का, धनिया आदि भी पिस जाता है। गांव में इस बिजनेस को शुरू करके आप रोजाना 1000 रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। मोबाइल रिपेयर और रिचार्ज की दुकान। मोबाइल एक ऐसी चीज है जो हर उम्र के लोगों की बेहद खास जरूरत बन गई है। बिना मोबाइल किसी का जैसे गुजारा ही नहीं हो सकता, साथ ही काम भी नहीं हो पाता। बस इसी जरूरत को देखते हुए आप मोबाइल रिपेयर और रिचार्ज की शॉप खोल सकते हैं। गांव के आसपास इतनी दुकानें नहीं होती हैं या शोरूम नहीं होते हैं जहां लोग अपने मोबाइल को रिपेयर करवा सकें। इसी तरह लोगों को रिचार्ज करवाना है तो कई कई किलोमीटर तक चलना पड़ता है। इस तरह की समस्याओं से सभी लोग दिन पर दिन जूझते हैं। ऐसे में आप इस समस्या का हल अपनी शॉप खोल कर सकते हैं, साथ ही अच्छा खासा कमा सकते हैं। बस इस बात का ध्यान दें कि आप जिस जगह पर ये शॉप खोल रहे हैं उसके आसपास मार्केट कैसा है, कितना कंपटीशन है। फोटोकॉपी और फोटोग्राफी का व्यवसाय। स्कूल, कॉलेज या फिर किसी भी सरकारी दफ्तर, प्राइवेट दफ्तर के बाहर यदि फोटोकॉपी और फोटोग्राफी की शॉप ना हो तो कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यदि आप ऐसी जगहों पर अपनी शॉप के रूप में ऑप्शन दे सकते हैं तो ये आपके बिजनेस के लिए एक अच्छा विकल्प है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको एक मशीन की आवश्यकता पड़ेगी जो फोटोकॉपी कर सके। इस बिजनेस में लागत कम है और मुनाफा अच्छा खासा है। बस आपको सही जगह का चयन करके इस बिजनेस की शुरुआत करनी है। जानवरों के खाने के उत्पाद और कृषि सामग्री। गांव में अधिकतर लोगों के पास पशु होते हैं और खेती होती है। ऐसे में यदि आप पशुओं के खाने पीने की सामग्री और कृषि से जुड़ी हुई सामग्री जैसे कि बीज, खाद, उपकरण आदि का बिजनेस करते हैं तो काफी अच्छा आइडिया है। इन सभी सामानों के लिए लोगों को शहरों और कस्बों की ओर मुड़ना पड़ता है। अगर आप गाँव में ही लोगों को ये सुविधा प्रोवाइड करा दें तो आपका बिजनेस कामयाब हो सकता है। कॉस्मेटिक की दुकान। महिलाएं कहीं भी हों, सभी को अच्छा पहनना, अच्छा दिखना पसंद होता है। यदि आप भी एक ऐसा बिजनेस आइडिया ढूंढ रहे हैं जो कि आप गांव में रहकर कर सकें तो कॉस्मेटिक का बिजनेस एक अच्छा ऑप्शन है, जहां आप हर मौसम में अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। गांव के हिसाब से आपको अपनी शॉप पर प्रोडक्ट्स रखने हैं, साथ ही कुछ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में भी निवेश करना होगा। इस बिजनेस को करने के लिए आपको महिलाओं से बातचीत करना और प्रोडक्ट्स को बेचना आना चाहिए, क्योंकि आपकी बातचीत और मार्केट के बारे में आपकी जानकारी ही इस बिजनेस को कामयाब बना सकती है। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।